हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी वाला। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल सांची का ट्रेलर आ गया है फर्स्ट, तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या दिखाया गया है और हम इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब टीज़र आया था तब रिंग्स की जगह जब ब्रेसलेट या चूड़ियाँ जैसा कुछ दिखाया गया था तब बहुत सी बातें चल रही थी कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं तब भी पॉजिटिव था कि अगर ये लोग ब्रेसलेट्स दिखा रहे हैं रिंग्स की जगह तो कुछ तो होगा। तो यहाँ पर मेरी बात सच भी हो गई है, क्योंकि अगर आप रिंग्स जिस तरह से एक्शन दिखाया गया है यहाँ पर ब्रेसलेट्स के साथ, ऐसा आप रिंग्स के साथ मुझे नहीं लगता कि इतना पावरफुल और इम्पैक्टफुली दिखा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि क्या है ना कि रिंग्स बहुत छोटी होती हैं, तो वो जब यूज़ करेंगे एक्शन में स्लो मोशन में तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा लगेगा जितना जो चूड़ियों में लगा है। तो ये तो पहली चीज़ों को कोई आप जब एक्शन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ का एक्शन क्या कमाल का दिखाया गया है। वहाँ पर जो एनिमेशन है कि जब वो चूड़ियाँ निकलती हैं और जब वापस आती हैं उसके हाथ में, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और वो जो कलर्स यूज़ किए गए यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से कलर्स यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पर बेसिकली स्टोरी तो यही होने वाली है, फादर सन रिलेशन वाला जो चीज़ है। ये मैंडरिन जो है वो सेंगची को ज़बरदस्ती अपनी जो लेगेसी है फैमिली की, मतलब 10 रिंग्स जो है वो उसको देना चाहता है, लेकिन सेंची क्या है कि वो अपना पाथ खुद बनाना चाहता है वहाँ पर लाइफ जीने का। तो ऐसा चीज़ है कि मैंडरिन ऑब्वियसली ज़बरदस्ती उसको 10 रिंग्स देना चाहता है और सेंची नहीं चाहता वो चीज़। और वहाँ पर उसकी मदर का भी रोल है कि जब वो फ्लैशबैक में है तभी उसका मदर का रोल है, जब बड़ा होता है तब नहीं है शायद। तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदा होगी प्रेजेंट में। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि उसकी माँ उसको प्यार करती, सब जादू ऐसा सब कुछ सिखाती है उसको दिखा कर, तो वो सीन भी काफ़ी अच्छा था। फिर उसकी ट्रेनिंग चल रही है, वो सारे सीन थे फ्लैशबैक में कि उसको उसका बाप ज़बरदस्ती पिटवा रहा है मजबूत बनाने के लिए और ऐसा सब कुछ है वहाँ पर। और ऑब्वियसली सेंची का एंड में जाकर अपने फादर यानी मैंडरिन से ही फाइट होने वाला है, बैटल होने वाला है। और यहाँ पर जो पूरी चीज़ है ना वो चाइनीज़ माइथोलॉजी या रिलीजन को लेकर ही बनाई गई है। मतलब सारी जो चीज़ें हैं ना दिखाई गई है जो हमें, मतलब जो डोर्स हैं, जो उसके आजू बाजू में गार्ड्स लगे हुए हैं, फिर एक जो एनिमल वाला एक सीन था वो कुछ गार्ड जैसा कुछ था जो डोर के आजू बाजू में था, वो शायद रियल में है। तो वो भी एक बहुत बड़ा था शायद, वो एनिमल था पता नहीं वो क्या था, एक लायन जैसा कुछ था, तो वो भी बहुत बड़ा था। फिर एक सीन आता है ड्रैगन वाला, तो अब मैं तो एक्साइटेड हूँ कि वो ड्रैगन किस तरह से दिखाते हैं और कितना वो, वैसे बड़ा तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन उसकी कुछ पावर्स दिखाएंगे या उसको प्रोटेक्टर दिखाएंगे 10 रिंग्स का या क्या क्या दिखाएंगे, वो अभी देखना पड़ेगा हमें। मूवी देख कर ही हमें पता चलेगा वो चीज़। तो फिर यहाँ पर है ना, मुझे मैंने आयरन फिस्ट देखी है ना, तो मुझे पूरी आयरन फिस्ट की वाइब्स आ रही थी, क्योंकि आयरन फिस्ट में भी सब कुछ है। यहाँ पर ड्रैगन वाला चीज़ है वो चाइनीज़ माइथोलॉजी पर ही बेस्ड है, फिर मार्शल आर्ट्स देख लो, एक्शन देख लो, फिर जो कलर्स हैं वो भी मिलते जुलते थे। क्योंकि जब लास्ट का एक्शन सीन आता है वो शायद क्लाइमेक्स हो सकता है, तो उसमें क्या है कि जो सेंची का जो कलर है ना, उसकी जो पावर का कलर वो येल्लो है, और आयरन फिस्ट का तो पूरा थीम ही येल्लो कलर पर बेस्ड है। तो मुझे बहुत ऐसा कनेक्टेड लगता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि आयरन फिस्ट और सेंची दोनों साथ में भी लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला है, ठीक है। लेकिन वो बहुत सारी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि मार्शल आर्ट और एक्शन भी उस लेवल का ही दिखाया गया है वहाँ पर। तो मैं एक्साइटेड तो हूँ बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेलर, पहले तो टीज़र इतना अच्छा था, फिर ट्रेलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा है। तो अभी देखते हैं कि मूवी में क्या। और हाँ, एक और चीज़, जब एंड में वो लोग ने एक और चीज़ ड्रॉप कर दी कि एबोमिनेशन रिटर्न्स, ओके, तो एबोमिनेशन आ गया, लेकिन वो अलग होगा, जो हल्क में था वो नहीं होगा, जो हल्क का विलन था वो नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये कुछ, ये पूरा का अलग ही होगा, पूरा कैरेक्टर, मतलब जो एक्टर है वो सब कुछ अलग ही होंगे। और एबोमिनेशन का साइज़ भी बहुत बड़ा है यहाँ पर, बहुत बड़ा है, मतलब वो तो कुछ नहीं था, उसका डबल है शायद, हल्क में जितना था ना उससे डबल है। और वो वू को मार रहा है, ठीक है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त था उसको मार रहा है। तो अभी देखते हैं कि उसका क्या दिखाते हैं। मुझे लगता है कि उसका इतना बेस्ट स्टोरी दिखा पाएंगे, क्योंकि एक मूवी है शायद 2.5 घंटे की मैक्सिमम होगी, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज़्यादा दिखा पाएंगे वो लोग, क्योंकि सेंची का भी दिखाना है, मैंडरिन का भी दिखाना है। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ और शायद एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर एक्सपेक्ट करोगे तो फिर अगर वो चीज़ नहीं हुई तो मूड बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ ज़्यादा कुछ दिखाएंगे, मैं बस केज फाइट जितना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बस उतना उसमें जितना दिखाएंगे वो चीज़ ठीक है।
ओके तो ये सब चीज़ें हैं कि मूवी तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी होने वाली है, एक्शन भी बहुत सारा है, कहीं हर जगह पर एक्शन है, ठीक है। तो मुझे लगता है एक्शन में तो ये कुछ डाउट है ही नहीं कि एक्शन काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो बस यही था रिव्यू, अब देखते हैं। और हाँ, मूवी रिलीज़ होने वाली है 3 सितंबर को, तो अभी बहुत टाइम बाकी है वैसे, तो अभी 2 महीने से भी ज़्यादा बाकी है, तो देखते हैं, 2-3 ट्रेलर और आएंगे मुझे लगता है, फिर अभी देखते हैं क्या होता है। तो बस यही था ट्रेलर का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन जो भी है। तो अब मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।